सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ट्रियो। जिवें तुहानू पता है कि कैनेडा दे विच आज की डेट जिहड़ा वीज़ा रिजल्ट चल रहा बहुत वधिया चल रहा, तो वीज़ा सक्सैस रेट इस टाइम काफ़ी हाई है। तो काफ़ी लोग ने जिन्होंने वीज़ा ले लिया, तो जिन्हों का वीज़ा अपलाई हो रहा उन्होंने भी रिजल्ट जोड़े आ वधिया आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम के भी ये ट्रेंड इस तरीके चल सकता है। तो अच्छ आप गल कर लगे कि कैनेडा इन्ने वीज़ा क्यों दे रहा, तो कदों तक ये वीज़ा एवं लगते रहेंगे, तो तुहानू कदों अपनी फाइल जी ला लेनी चाहिए है। सब तो पहला जे तुसी अजे तक चैनल साडा सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब जरूर कर लेना। जिवें तुहानूं पता है कि जे अज तो एक साल पहलां दी गल करिए या फिर जून तो पहलां दी गल करिए, तो उस टाइम वीज़ा रिजल्ट जिहड़े सीगे कैनेडा दे काफ़ी घट सीगे। जिहड़ियां फाइलां लगदियां सीगियां उहनां दे विच वीज़ा जरूर आ रहे सी, बट बहुत इन्नी गिनती च नहीं सन आ रहे जिन्नी हुण गिनती च वीज़ा लग रहे ने। ते अज इस ट्रेंड क्यों चेंज होया, तुहानूं पता होएगा कि जदों स्टूडेंट वीज़ा दे रूल चेंज हुए सीगे अगस्त दे विच, उस टाइम तो बाद वीज़ा रिजल्ट जिहड़े ने बहुत ज़्यादा निकलने शुरू हो गए। तो उदू बाद ही टूरिस्ट वीज़ा जिहड़ियां फाइलां लगन लगियां उन्होंने वीज़ा जिहड़े ने वो बहुत वधिया रिजल्ट जिहड़ा उन्हां दा रहा। तो एक्चुअली ये कैनेडा की ही डिमांड के अकॉर्डिंग हुंदा है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो वीज़ा इशू करती है तो उन्होंने जो भी उन्होंने ऑर्डर होंगे ने, जो भी उन्होंने ट्रेंड हुंदा उहदे अकॉर्डिंगली ही वीज़ा रिजल्ट निकलते रहिंदे ने। जो उन्होंने पिछों ऑर्डर होंगे कि वीज़ा ज़्यादा इशू करने हैं तो फिर वीज़ा भी ज़्यादा इशू होंगे, उस टाइम वीक प्रोफाइल में भी वीज़ा मिलता है। अज की डेट च यही एग्जाम्पल है कि जिन्हें फाइल्स लग रही ने उन्होंने जिन्हों की इस टाइम इनकम घट है उन्होंने भी वीज़ा मिल रहा है। जिन्हों की आई टी आरस बहुत ज़्यादा नहीं गई हुई या फिर ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रोंग नहीं हैगी, फंड जिदे को पुराना नहीं है, इन्हों भी वीज़ा मिल रहा, नवे फंड से भी वीज़ा आ रहा, सैलरी घट है तो भी वीज़ा आ रहा, ट्रैवल हिस्ट्री घट है तो भी उन्होंने वीज़ा मिल रहा। पर इतने एक गल याद रखियो कि एवें नहीं है कि हरेक नूं ही वीज़ा मिल रहा, एवें नहीं है 100% वीज़ा रिजल्ट नहीं चल रहा, बट ये कह सकते हैं कि पहला जो वीज़ा रिजल्ट से उस तो 2-3 गुणा वीज़ा रिजल्ट इस टाइम जा चुके हैं। तो इस टाइम नंबर ऑफ एप्लीकेशन जिहड़ियां ने वह भी बहुत वध चुकी ने। फिर ईवन दैट कि जेडे वीज़ा रिजल्ट ने वो उस तरीके चल रहे हैं, वीज़ाज बहुत इशू हो रहे हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा का भी सेम कहानी है, स्टूडेंट वीज़ा जदों का SDS नवे रूल आए हैं उस तो बाद बहुत ज़्यादा इशू हुए हैं। यदा कारण मेनली यही है कि जो कैनेडा दे विच इकोनमी है वह काफ़ी ज़्यादा क्रैश की सी पहला, वो जदों क्रैश हुई है वो करके उन्होंने रियल स्टेट के रेट जोड़े आई वधे, बाकी चीज़ों की भी महंगाई काफ़ी वधी है, जिद नाल कि उन्होंने स्टेबल करने वास्ते हूँ उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करने की जरूरत है। उस चीज़ को देखते हुए इस टाइम कैनेडा ने अपनी GIC जो स्टूडेंट अपने फंड्स डिपोजिट करता सी पहला उत्थे $10,000 वो उन्होंने सीधी डबल करती है, तो 20,635 उन्होंने कर दिता है, यानी कि उन्होंने फंड्स ज़्यादा तो ज़्यादा चाहिए इस टाइम। इस करके उन्होंने जोड़े आ फंड्स भी इनक्रीज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जड़िया ने बहुत बढ़ चुकी ने, तो इस करके जो थोड़ी बहुत कटन गई है भी एप्लीकेशन तो उन्होंने फर्क नहीं पैन वाला, क्योंकि उन्होंने वो अमाउंट जी है डबल कर दी है। सेम लाइक टूरिस्ट वीज़ा के भी उन्होंने वीज़ा जोड़े आ बहुत इशू किए हैं, क्योंकि उन्होंने पता है एक तो इस टाइम कैनेडा के लोग ज़्यादा उत्थे स्टे करना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि जेडे इतों वीज़ा लै रहे ने वो नॉर्मली उतों के हालात देख के कई वापस भी आ रहे हैं कि उत्थे नहीं असी रहना, क्योंकि उत्थे कम घट ने, खर्चे बहुत वधे हुए ने, इस करके जेडे रिटर्निंग जी वध गई है। इस करके वीज़ा हमेशा ज़्यादा वधदे है, क्योंकि जो लोगों को वीज़ा दिता जाता वो जो तो जाके उतों वापस आ जाते हैं ज़्यादातर लोग, उस रेशो को देख के हमेशा कंट्रीज़ वीज़ा इशू कर दें। हुण जो तुम दुबई वीज़ा अप्लाई करते हो, मलेशिया या करते हो या फिर सिंगापुर जाते हो, इन्हां कंट्रीज़ वीज़ा ज़्यादा क्यों इशू होंगे, क्योंकि उत्थे जे 100 एप्लीकेशन जा रही है ने, 100 लोग उत्थे घूमन जा रहे हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 100 ही वापस आ रहे हैं, या असी कह सकते हैं कि 90% तो भी अबव लोग वापस आते हैं, इस करके उन्होंने कंट्रीज़ में प्रॉब्लम नहीं होंगी। सेम हुण कैनेडा भी उही चीज़ है, क्योंकि उतों के रहने वाले लोग भी होर कंट्रीज़ मूव कर रहे हैं, जेडे इतों टूरिस्ट जा रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट जेडे रिटर्न कर रहे हैं, तो ये करके वीज़ा रेशो जी बढ़ चुकी है। ये हुण वीज़ा रेशो किन्ना चिर वधिया रहेगी ये टोटली डिपेंड करेगा कि किन्ना चिर तक लोग उत्थे जाके वापस आना पसंद करनगे, जिवें ही उत्थे लोग ज़्यादा रहना शुरू कर देंगे उस तो बाद ये रेशो फिर घट जाएगी। इस करके एक कभी भी मतलब घट सकती है, चलन में एक साल भी चल सकती है, 6 महीने भी चल सकती है, 3 महीने भी चल सकती है रेशो। इस करके जे तुहाडी फाइल एलिजिबल है तो वेट ना करो, फिर अपना वीज़ा जरूर अप्लाई कर लो, क्योंकि हुण जो रिजल्ट तुहानू वेखण नू मिलणगे वह हो सकता 3 महीने बाद ना हो या 6 महीने बाद ना हो, तो हो सकता वो 1 साल तक भी एवें चलते रहन, क्योंकि कंट्री बहुत वड्डी है,
उत्थे जे लोग जा रहे हैं तो उन्होंने इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, रिवेन्यू ना जनरेट हो रहा है क्योंकि एक टूरिस्ट भी जाता है तो वह 50,000 तो लैके 1,00,000 रुपए तक उन्होंने कंट्री के जरूर स्पेंड करके आता टिकट न छड़ के, क्योंकि टिकट एक एयरलाइन है वो किसी भी कंट्री की हो सकती है, बाकी जोड़े उतों के लोकल एक्सपेंस ने 50,000 तो लैके 1,00,000 रुपए तक तो खर्च ही आता, तो उन्हों की कंट्री की जी इकोनमी है वो काफ़ी स्ट्रोंोंग होंगी है, यही रीज़न है ज़्यादा तो ज़्यादा वीज़ा इशू होने। तो जे थोड़ी फाइल इलीजिबल हैगी है दैन तुम्हें जरूर अपलाई करना चाहिए क्योंकि जो रिजल्ट होने शायद आने वाले टाइम ना हो, एक बेस्ट टाइम है कैनेडा अपलाई करने का। तो मिलते हैं फिर एक नवी वीडियो नवी इनफॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।